चार पेपर्स देने हैं आपको एंड यू हैव अ वर्ल्ड क्लास इंटरनेशनल अकाउंटिंग डिग्री, तो क्या क्या हम कोर्सेस कर सकते हैं आप ताकि सही रनवे पकड़े जो आपके स्किल सेट्स को मैच करता है, सो दैट यू कैन टेक द फ्लाइट ऑफ योर करियर इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। सीए हो गया आपका, एक बहुत ही पावरफुल डिग्री आपके पास है, मॉन्की इज ऑफ योर बैक। क्या क्या ऑप्शन खुलते हैं आपके पास आफ्टर योर सीए? ऑडिट, टैक्सेशन, अकाउंटिंग या फिर फाइनेंस। तो क्या क्या हम कोर्सेस कर सकते हैं आप ताकि सही रनवे पकड़े जो आपके स्किल सेट्स को मैच करता है, सो दैट यू कैन टेक द फ्लाइट ऑफ योर करियर इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। तो पहली चीज, आप अगर फाइनेंस में इंटरेस्टेड है तो सीएफए कर सकते हैं, व्हिच इज ऑफर्ड बाय द सीएफए इंस्टीट्यूट। दिस ग्लोबल सर्टिफिकेशन इज आइडियल फॉर सीएस इंटरेस्टेड इन करियर इन द फील्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंकिंग या पोर्टफोलियो मैनेजमेंट या इक्विटी रिसर्च या अदर एरियाज ऑफ फाइनेंस। या आप एसीसीए कर सकते हैं, आपके अगर आप सीए कर चुके हैं तो आपके 9 पेपर्स एग्जम्प्ट हैं, सिर्फ 4 पेपर्स देने हैं आपको एंड यू हैव अ वर्ल्ड क्लास इंटरनेशनल अकाउंटिंग डिग्री। या फिर आप फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड वैल्यूएशन कर सकते हैं जिन सीएस को फाइनेंस की फील्ड में जाना है और अपना करियर बनाना है, तो टू गेट प्रैक्टिकल इनसाइट्स इनटू दिस फील्ड बिकॉज दिस विल ओपन अप ऑप्शंस फॉर यू इन द फील्ड ऑफ इक्विटी रिसर्च या कंसल्टिंग या कॉर्पोरेट फाइनेंस या फिर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। या फिर आप सीपीए कर सकते हैं, although it's primarily a US-based certification, CPA is recognized globally and a lot of CS pursue it to enhance their knowledge for US GAAP and US tax laws. And this is specifically in case they plan to work in multinational corporates or in international tax advisory roles. अगर आपको audit में जाना है, तो आप CISA कर सकते हैं, which is Certified Information System Auditor, and it is offered by ICACA and is ideal for CS interested in specializing in information system auditing, control and security. या फिर आप CFE कर सकते हैं, which is Certified Fraud Examiner, which is offered by the Association of Certified Fraud Examiners. This certification equips CS with the skills needed to detect and prevent frauds in the organization. या फिर आप DIPIFR कर सकते हैं, which is Diploma in International Financial Reporting Standards. This course is offered by, again, the ACCA body. It specifically focuses on international accounting standard and is beneficial for CS working in multinational corporates or aspiring to work internationally. I mean, काफी सारे CS हैं जो हमसे ये ACCA का DIPIFRS भी करते हैं और काफी सारे डिमांड आती है स्पेशली फ्रॉम CS जो कॉर्पोरेट्स में काम कर रहे हैं। या फिर अगर आपको ऑडिटिंग में और आगे जाना है, यू कैन डू अ सर्टिफिकेशन कोर्स ऑन फॉरेंसिक अकाउंटिंग एंड फ्रॉड डिटेक्शन, FAFD बोलते हैं उसको। It is offered by the Institute of Chartered Accountants of India. This course provides specialized training in forensic accounting techniques and fraud detection. अगर आपको risk में जाना है, then you can do certification in risk management assurance. It's offered by the Institute of Internal Auditors. This certification is suitable for CS interested in specializing in risk management and internal audit. और अगर रिस्क में और ज्यादा डेल्व करना है, देन देयर इज FRM डिग्री, व्हिच इज फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट। लॉट ऑफ सीएस हु आर स्पेसिफिकली वांटिंग टू गेट इनटू रिस्क, दे डू दिस FRM डिग्री। या फिर आप सर्टिफिकेट कोर्स ऑन कॉन्करेंट ऑडिट ऑफ बैंक्स भी कर सकते हैं, व्हिच इज अगेन ऑफर्ड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। दिस इज स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर सीएस इंटरेस्टेड इन परस्यूइंग करियर इन द बैंक ऑडिटिंग। और ये तो कुछ एग्जांपल्स हैं फॉर द कोर्सेज जो सीएस इन इंडिया में कर सकते हैं, so that you can broaden your skill sets and enhance your career prospects. तो बाकी आपकी इंटरेस्ट के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपको अकाउंटिंग में जाना है या ऑडिटिंग में जाना है या फाइनेंस में जाना है, ठीक है? लेकिन स्किल्स अपग्रेडेशन, एनहेंसमेंट करना हैज टू बी अ रेगुलर फीचर फॉर अ प्रोफेशनल।